हेलो स्टूडेंट, मैं आरंभ तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में, पुष्प विज्ञान के फ्लोरिकल्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो हॉर्टिकल्चर का एक भाग है। आइए हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, द वर्ड फ्लोरिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम, जो फ्लोरिकल्चर शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है? तो वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, सर्वाधिक फूलों का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक फूलों का निर्यात करने वाला देश है नीदरलैंड। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री, सर्वाधिक फूलों के आयात करने वाले में कौन सा देश अग्रणी है? फूलों का सर्वाधिक आयात कौन सा देश करता है? तो फूलों का सर्वाधिक आयात जर्मनी करता है। प्रश्न चौथा, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर, भारत में कौन सा राज्य फ्लोरिकल्चर के क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी है? किस राज्य में फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्पों की खेती सर्वाधिक होती है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में सर्वाधिक क्षेत्रफल फूलों की खेती का है। बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की, स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन अंडर फ्लोरिकल्चर, भारत में कौन सा राज्य फूलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राज्य है तमिलनाडु। बात करें अपने छठवें प्रश्न की, फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, भारत में कौन सा फूल की प्रजाति या कौन सा फूल जो सर्वाधिक उगाया जाता है? भारत में किस पुष्प की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो फूल है जैस्मीन। बात करें अपने सातवें प्रश्न की, ब्यूटीफुल गार्डन एंड गार्डन थ्रू एजेस बुक इज रिटन बाय, ये दो बुक के नाम है जो फ्लोरिकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कौन सी बुक है? ब्यूटीफुल गार्डन और गार्डन थ्रू एजेस। ये बुक किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है एम एस रंधावा ने। बात करें अपने आठवें प्रश्न की, किंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फूलों का राजा किसे कहते हैं? तो फूलों का राजा रोज को कहते हैं। यहाँ रोज से एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि रोज, गुलाब किस देश का नेशनल फ्लावर है? रोज इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। सो रोज जो है इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है। बात करें अपने नवें प्रश्न की, क्वीन ऑफ फ्लावर इज नोन एज, क्वीन फूलों की रानी किसे कहते हैं? तो फूलों की रानी ग्लैडियोलस को कहते हैं, ग्लैडियोलस को कहते हैं। बात करें अपने दसवें प्रश्न की, बीपी पाल इज द वेराइटी ऑफ रोज। बीपी पाल एक वेराइटी है जो किसकी है? रोज की है। अब यहाँ देखिए हमारे एक प्रश्न और ज्यादा तैयार होंगे। बीपी पाल, ये बीपी पाल कौन है? तो बीपी पाल एक रोज ब्रीडर भी, रोज के ऊपर इन्होंने ब्रीडिंग का काफी ज्यादा वर्क किया है और ये फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर थे। बीपी पाल जो थे फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, ये एग्जामिनेशन पूछता है फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, तो कौन थे? बीपी पाल। बीपी पाल जो थे फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर थे, इन्हीं के नाम पर एक रोज की वैरायटी पड़ी जिसका नाम है बीपी पाल, उस वैरायटी का नाम ही है। और बीपी पाल क्या थे? एक रोज ब्रीडर थे। अब हम बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, जो गुलाब का फल होता है उसे हम कहते हैं क्या है? तो उसे हम रोज हिप्स कहते हैं, रोज हिप। प्रश्न 12वां, गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय, गुलकंद तैयार किया जाता है किस चीज से? तो रोज पेटल एंड शुगर, रोज पेटल और शुगर से क्या तैयार किया जाता है? गुलकंद। अब बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न की, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ रोज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि गुलाब में व्यावसायिक प्रवर्धन हम करते हैं किसके द्वारा? तो टी बडिंग। बडिंग का हिंदी होता है कलिकायन। मैं हर एक चीज की आपको हिंदी बताते हुए चल रहा हूँ। बात करते हैं अपने 14वें प्रश्न की, सिंबल ऑफ ब्यूटी किसको कहते हैं? तो सिंबल ऑफ ब्यूटी रोज को कहते हैं। बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की, फैमिली ऑफ रोज,
रोज किस कुल से संबंधित है? तो रोज रोजेसी कुल से संबंधित है, रोजेसी कुल से संबंधित है। बात करें फैमिली ऑफ ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस किस कुल से संबंधित है? तो ग्लैडियोलस इरिडिएसी, इरिडिएसी फैमिली से संबंधित है। बात करते हैं अपने सत्रहवें प्रश्न के बारे में, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस में व्यावसायिक प्रवर्धन हम करते हैं किसके द्वारा? कॉर्न्स के द्वारा, कॉर्न्स के द्वारा। अब बात करते हैं अपने अठारहवें प्रश्न पे, फैमिली ऑफ क्राइजेंथिमम, क्राइजेंथिमम जिसको हिंदी में गुलदाउदी भी कहा जाता है, वो किस कुल से संबंधित है? तो क्राइजेंथिमम है कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली से संबंधित है। बात करें उन्नीसवां प्रश्न, क्राइजेंथिमम इज नेशनल फ्लावर, क्राइजेंथिमम किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो क्राइजेंथिमम जापान का राष्ट्रीय पुष्प है, क्राइजेंथिमम कहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है? तो जापान का। अब बात करते हैं हमने बीसवें प्रश्न के बारे में, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ क्राइजेंथिमम, गुलदाउदी में व्यावसायिक प्रवर्धन हम करते हैं किसके द्वारा? रूट शकर, जड़ कर्तन जिसको कहते हैं हिंदी में, रूट शकर के द्वारा, जड़ कर्तन द्वारा। तो ये कुछ फ्लोरिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको क्लास में किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।